हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंतकाम गेमिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग ही बात करने वाले हैं। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी होगी, जस्ट लाइक वीएमपी हेडशॉट ट्रिक, वीएमपी रेड नंबर ट्रिक एंड वीएमपी एम हैक ट्रिक, बट आप लोगों ने शायद ही यूएमपी हेड हैक पर वीडियो देखी होगी। सो गाइज, बहुत ही वीडियो मज़ेदार होने वाली है और आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको वीडियो में जो भी बताया गया वो समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइज, यूएमपी से हेडशॉट मारने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, जिससे आप गेम खेलते समय अगर ध्यान में रखते हो तो आपका गेम प्ले काफ़ी ओपी लेवल का हो जाएगा। बट इसमें पांच सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे अगर आप अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो है सारी की सारी गोलियां बंदे के हेड पर ही लगेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पांच इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। कैरेक्टर स्किल, फायरिंग पोजीशन, सेंसिटिविटी, गन स्किन, ये सभी चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूएमपी से हेडशॉट मारना चाहते हो। तो सबसे पहला चीज़ है कैरेक्टर स्किल। तो बहुत बार गलत कैरेक्टर का गलत जगह पर यूज करने से जो है आपकी हेडशॉट नहीं लगती है। तो आप लोग बोलोगे भाई हेडशॉट का कैरेक्टर स्किल से क्या कनेक्शन है, तो कैरेक्टर स्किल का जो है वो हेडशॉट से बिल्कुल कनेक्शन है, वो भी बहुत बड़ा वाला। आप लोगों को पता है कि यूएमपी गन जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉइल करती है, जिसकी वजह से जो है कभी कभी हमारा हेडशॉट नहीं लगता है, बंदे के हेड के बगल से गन मिस कर जाता है। तो आप लोग चिंता मत करो, इसके लिए आप लोग जो है ऑलवेज दशा कैरेक्टर का यूज़ करो, जिनसे आपका रिकॉइल तो कम होगा ही, साथ ही आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब है कि हेडशॉट, अगर आपकी गन का जो एक्यूरेसी बढ़ जाए तो आपका हेडशॉट लगने का चांस ही बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं फायरिंग पोजीशन की। तो फायर पोजीशन का जो मतलब है वो है कि आप कैसे एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि फायरिंग करते समय जो है वो जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करना है, तो यस वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आप अगर फायर करते टाइम जो है जॉयस्टिक का यूज़ करोगे तो ज़्यादातर गोलियाँ एनिमी के बॉडी पर लॉक हो जाएंगी, जिनसे कि आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब रहा कि आपको फायर किस पोजीशन में करना है, तो आपको ऑलवेज फायर जो है वो खड़े होकर करना है विथआउट जॉयस्टिक यूज के। अब बात कर लेते हैं बेस्ट सेंसिटिविटी की। तो आपको सेंसिटिविटी क्या रखनी है, तो आप लोगों को सेंसिटिविटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ऑलवेज फुल रखना है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं ऑलवेज सेंसिटिविटी 100 पर रखता हूँ। हाँ, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप अपनी सेंसिटिविटी के अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको सेंसिटिविटी ऑलवेज 100 रखना है, क्योंकि एंड्रॉयड का जो सेंसिटिविटी है वो बेस्ट सेंसिटिविटी यही है, और एंड्रॉयड में सेंसिटिविटी उतना हाई नहीं रहता है, इसी वजह से आपको जो है सारी की सारी सेंसिटिविटी 100 रखनी है। सो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्शन ऑफ ड्रैग। डायरेक्शन ऑफ ड्रैग का मतलब है आपको अपने फायर बटन को किस डायरेक्शन में ड्रैग करना है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हो देन आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको ऑलवेज इस बात को ध्यान में रखकर ड्रैग करना है कि एनिमी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको अपने फायर बटन को भी मूव कर ले जाना है। अगर एनिमी स्ट्रेट खड़ा है तो आपको सिंपली खड़े होकर अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ ले जाना है। सो अब बात आती है हमारे लास्ट टिप्स की, बेस्ट गन स्किन। तो यहाँ पर आपको फ्री में दो गन स्किन मिली होगी जो काफ़ी ख़तरनाक चलती है। पहला है जेब्रा पेपर कट, जो कि हमें फ़िलहाल में मिला था लाइव स्ट्रीम के बदले, एंड सेकेंड जो है आर्ट ऑफ वॉर, जो कि दिवाली इवेंट में मिला था। अगर इन दोनों में से कोई भी स्किन आपके पास है तो एक का यूज़ करना, काफ़ी ख़तरनाक हेडशॉट लगेगा। और अगर आपके पास यूएमपी की बोयाड स्किन है तो और भी अच्छी बात है, इसका यूज करोगे तो आपको पता है कि इसकी एबिलिटी डबल रेट ऑफ फायर है, काफ़ी ख़तरनाक चलती है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर इनका इस्तेमाल आप सही से करते हो तो आपका ओनली रेड नंबर लगेगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने किसी एक दोस्त को साथ शेयर भी कर देना जिसको इस टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। सो गाइज, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.